हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए ब्लॉग में। तो आज है वेनसडे, मैं उठ चुकी हूँ। एक मिनट दिखा देती हूँ। सुबह सुबह इतना जोर जोर से बारिश हुआ। आई थिंक 3-4 बजे से हो रहा था बारिश, फाइनली रुक गया है। पापा तो बोल रहा था इतना जोर जोर से बारिश हो रहा है, स्कूल मत भेजो, क्योंकि इतना जोर में जोर जोर से रेनकोट लगा के छतरी पकड़ के जाने से ना भीग जाता है। तो मैंने सोचा कि आरू स्कूल जाने के लिए और 2 आवर्स बाकी है, शायद बारिश रुक जाए, तो मैं उठ जाती हूँ। एक मिनट। तो मैं उठ जाती हूँ, क्या पता रुक जाए बारिश। तो ठीक वैसे ही हुआ है। मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाते बनाते यहाँ बारिश रुक गया है, एकदम ठंड पड़ा हुआ है। सुबह सुबह हम लोगों ने पंखा वंखा सब बंद करके ब्लैंकेट ओढ़ के और दोनों बाप बेटी सो रहा है। मैं तो थोड़ी देर आफ्टर 15 मिनट्स मैं उठ के चली आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ काम करना है। हाँ, तो किचन में मेरी जो काम है लगभग हो चुका है, और आरू का लंच बॉक्स जो है वो हाफ पैक हो चुका है। एक मिनट, आप लोग ऐसे दिखाई नहीं देगा, खोल देती हूँ पहले। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी फ्राई कर चुकी हूँ, ये कल ले गया था। ये ऐसा 3 दिया हूँ और ये 2 दिया हूँ, आरू का फेवरेट है। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है वो बन करके रखी हूँ। और यहाँ पे एग्स ऑलरेडी बॉयल हो चुका है, सबका 2-2 करके। ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग येलो पार्ट नहीं खाते हैं, वो फेंक देते हैं। आरू का वहाँ लंच बॉक्स में एक डाल दूँगी और एक अभी खिलाऊँगी। और पापा आज ब्रेकफास्ट करके जाएगा, आज क्या वो हर रोज़ करके जाता है। तो यहाँ पे मैं आलू बॉयल करके क्यूब्स में काटी हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा आलू दम रेसिपी बनाऊँगी मेरा अपना तरीका से। यहाँ पे मैंने डाली हूँ हल्दी, नमक डाली नहीं हूँ अभी तक। यहाँ पे है चिल्ली पाउडर एंड जीरा पाउडर। और यहाँ पे है थोड़ा सा तिल डालूंगी मैं ऊपर से। सिंपल सा आलू दम रेसिपी है जो अभी हम लोग खा सके सुबह सुबह। और मैंने आज कोई पराठा नहीं बनाया, रोटी बनाई हूँ, वो भी रेडी है। रोटी बना के रेडी करके रखी हूँ मैं। तो चलिए, हाँ वहाँ पे जो एग्स है वो सबसे पहले छिलके में जाके लंच बॉक्स में डाल देती हूँ एक। उसके बाद ये सब कुछ तो रेडी हो गया है फिलहाल ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने कुछ चिल्ली वगैरह, यहाँ पे किचन पूरा मैसी है, तो चिल्ली यहाँ पे फ्राई करके मैंने रखी हूँ आलू दम का ऊपर ऐसे रखने, क्योंकि चिल्ली खाने आज कोई बड़ा अच्छा लग रहा है मुँह में। एक्चुअली ये वाला चिल्ली, इस बार का जो चिल्ली है ना, इस बार का एकदम स्पाइसी नहीं है। आप जितना भी काट कूट के खा लो आपको स्पाइसी ही नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है कोई स्वीट या चॉकलेट या लॉलीपॉप वगैरह खा रहे हो वही लगेगा आपको। इसीलिए इतना ज़्यादा फ्राई किया, फिर भी मेरे को कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है फिर से डाल दूँ। कढ़ाई थोड़ा आपको वो लगेगा क्योंकि ऑलरेडी सुबह से यूज़ हो रहा है। हाफ ऑयल वहाँ रखी हूँ क्योंकि उस वो ऑयल में लंच के लिए यूज़ करूँगी। तो चलिए यहाँ पे आलू दम का रेसिपी बना लेते हैं। सॉरी, पहले एग्स डाल देते हैं लंच बॉक्स में, उसके बाद ये काम करेंगे। चलो मैं यहाँ पे क्रैक कर लेती हूँ। ऑयल जो है लो फ्लेम में हीट करके रखी हूँ क्योंकि एग्स मुझे क्रैक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है ऑलरेडी। बॉयल होने के बाद मैं अच्छे नॉर्मल पानी में ऐसे ही भिगो के रखी थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल दिन को भी जब आरू को स्कूल के लिए लेने गई थी ना, मैं वीडियो में शायद दिखाई हूँ आप लोग को, कल का ब्लॉग में बहुत ज़ोर से बारिश हुआ, मैं जाके भीगते भीगते आरू को लेके आई हूँ। आज भी वैसे ही लग रहा था स्कूल में, स्कूल का टाइम पे लेके आने का और लेके जाने का टाइम पे अगर बारिश होता बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा ही दिक्कत होता है स्पेशली बच्चे के साथ।
उसका छोटू छोटू एग्स है, कल लेके आई थी मैं, ये देखो एकदम छोटू छोटू। आज मैं बोल रही हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने सूखा वाला रोटी बनाई हूँ, कुछ भी मतलब घी एंड ऑल ये सारा चीज़ें ऐड नहीं किया हूँ। जिस दिन मैं घी और बटर रोटी में ऐड करती हूँ ना, पराठा कुछ बनाती हूँ, तो मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे से घी हजम नहीं होता है। बिरयानी वगैरह में डालती हूँ, पुलाव में डालती हूँ, लेकिन उसमें मेरे को उतना स्मेल नहीं आता है। जब पराठा में डालती हूँ तो इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है कि मेरे से खाए नहीं जाता है, इसलिए मैं सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करती हूँ हमेशा। या तो मैं बाहर से वही खा लेती हूँ या तो डायरेक्ट मैं लंच करती हूँ, इसीलिए यही प्रॉब्लम है, यही कारण है, यही रीज़न है जो मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। दोनों बाप बेटी के लिए तो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे एक क्रैक हो चुका है और येलो पार्ट निकाल के आलू का जो लंच बॉक्स है उसमें डाल देती हूँ। फिलहाल इसको इधर साइड में रख देता है, येलो पार्ट उसको छोटा से ही हम लोगों ने येलो पार्ट खिलाए हैं, तो उसको आदत भी नहीं है कि येलो पार्ट खाना है उसको। तो मैं ये डाइनिंग टेबल में छोड़ के आऊँगी और ये जो लंच बॉक्स में डालती हूँ, उसके बाद ये जो रेसिपी है, ओह माय गॉड, ये जो रेसिपी है शुरू करेंगे। ये जो है इसमें ये जो पाउडर वाला इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा मिक्सचर बना लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे रेडी हो गया है मिक्सचर, आप यहाँ पे डालते हैं तिल, फिर डालते हैं यहाँ पे नाइस मिक्स। मैं सॉल्ट भी यहीं पे ऐड कर देती हूँ। मेरी जो ये फ्राई मिर्ची है ये भी यहीं डाल देती हूँ, सॉरी। और ये जो अपना आलू है बॉईल किया हुआ, ये क्यूब, ये भी यहीं डाल देती हूँ। नाउ नाइस मिक्स। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेम हाई कर दिया है, एक्चुअली ना यहाँ पे ना आलू जो है ज़्यादा बॉयल हो चुका है क्योंकि मैं दूसरा काम पे बिजी था और मैं भूल गई इसको बंद करने। एकदम आलू इतना ज़्यादा गल गया कि क्या बताएं, मतलब अपना शेप पे ही नहीं है। तो बंद कर देते हैं, नाउ इट्स रेडी। ये रहा सिंपल सा, मतलब वैसे फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट यू कैन हैव इट। अब निकाल लेते हैं, उसके बाद आलू का जो भी काम होगा वो कर लेते हैं। तो हाँ, इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय। कुछ इस तरह दिख रहा है मेरी जो सिंपल सा आलू दम, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये रहा